हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसी में चिड़िया का घोंसला है और चारों तरफ देख सकते हैं कितने करेले लगे हुए हैं। और मैं तो इसकी हार्वेस्टिंग आज करने वाली हूँ। अब मुझे तो हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब कोई भी अगर आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और उसको फिर जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये बुलबुल बैठी है, इसी का घोंसला है गार्डन में, और ये परेशान हो रही है कहीं मेरे मतलब अंडों को नुकसान ना पहुंचा दें हम लोग। तो देखिए करेले, तो करेले किसको किसको खाना पसंद है ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी करेले लगाना चाहते हैं तो अपने गार्डन में, तो मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और 3-4 महीने आप हार्वेस्टिंग इसकी ले सकते हैं। तो देखिए, मेरी ये सिस्टर का गार्डन है, मैं इस समय इन्हीं के आई हुई हूँ। तो देखिए, आज मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ ढेर सारे करेले, और आप इसके भरवा बना सकते हैं। चाहे मतलब जिस तरह से आपको इसकी सब्जी खाना पसंद है आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत से लोग तो करेले का जूस भी पीते हैं, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर में काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है करेले खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, और मुझे रोज़ करेले खाने को भी मिल रहे हैं। मेरे सिस्टर वो रोज़ मुझे करेले खिला रही हैं, मतलब हम लोग रोज़ करेले खा रहे हैं। तो बहुत से लोगों को करेले खाना पसंद नहीं होता है। मेरे हस्बैंड करेले नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं है, और मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे सिस्टर के यहाँ वो खाते हैं, और जीजा जी खाते हैं, सब लोग खाते हैं करेले। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं कितने मुझे करेले मिलते हैं। आप लोग गेस करिए, आज मेरी टोकरी भर जाएगी करेलों से कि नहीं भरेगी। तो चलिए लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कितने करेले मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे मतलब ऊपर ये ना नेट लगा के उस पर चढ़ा दी हैं, तो चारों तरफ करेले ऊपर फैले हुए हैं, और नीचे जो है ना थोड़ा सा धूप जो है 4-5 घंटे ही आती है, तो जल भी नहीं रहे हैं। और अगर आप इसी को टेरेस पे लगाएंगे तो ये पत्तियां जल जाएंगी इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, करेले का साइज़ कितना बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश, एक भी करेला ख़राब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, करेला कड़वा होता है, कड़वा होने के बावजूद करेलों में सबसे ज़्यादा खराब मतलब कीड़े रहते हैं अगर ख़राब है करेले तो, और एक भी करेला ख़राब नहीं है, सब करेले हेल्दी हैं, वो भी ऑर्गेनिक है 100%। तो आप लोग भी करेला लगा सकते हैं। अभी मतलब इस करेले की कम से कम 2 महीने 3 महीने हार्वेस्टिंग मिलेगी। अभी ये कुछ दिनों से फलना शुरू हुआ, 1 महीने से, तो खूब सारी हार्वेस्टिंग भी मिल रही है फ्रेंड्स। हर दूसरे तीसरे दिन हार्वेस्टिंग इसकी मिलती रहती है ढेर सारी इसी तरह से करेलों की। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा वीडियो। इस समय मैं अपना गार्डन नहीं दिखा पा रही हूँ, बस अपने सिस्टर का ही ऐसी कुछ कुछ हार्वेस्टिंग दिखाती रहूँगी, आप लोग को गार्डन दिखाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी करेलों की हार्वेस्टिंग मिली है, कम से कम ये करेले 2 किलो 2.5 किलो के आसपास करेले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया करेले हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा किसको किसको करेले खाना पसंद है।